सो हेलो दोस्तों, गैस पे आप लोग टाइगर को तो जानते ही होंगे, नेम तो सुना ही होगा। इनका ख्याल है ये हमसे मुकाबला करेंगे, पर क्या कुफ इलाही फौज पर गालिब आ सकता है? टाइगर ऑलवेज रेडी। मेरा नाम तो पता है, तेरा काम नहीं पता। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान की। तो जैसा कि 10 नवंबर 2023 को दिवाली के दिन रिलीज होने जा रही है सलमान खान की नई मूवी टाइगर 3। मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी आज की वीडियो में जानेंगे, और मूवी में किरदार और रोल्स के बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि सलमान खान की जबरदस्त मूवी सीरीज, एक था टाइगर, फिर आया टाइगर जिंदा है, अब टाइगर 3 रिलीज होने जा रही है। जैसे कि मूवी का ट्रेलर जो कि एक साल पहले रिलीज हो गया था, जो कि अब मूवी रिलीज होने जा रही है 10 नवंबर को फ्राइडे के दिन सिनेमाघरों में, और मूवी को सिनेमाघरों में दिवाली के दिन रिलीज किया जा रहा है। मतलब मूवी सीधे धमाल मचा के रख देगी या फिर ओके ओके जाएगी, लेकिन मूवी के ट्रेलर को देख के साफ नजर आता है मूवी थिएटर में कोहराम मचा के रख देगी। और मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा सर ने, और दोस्तों मूवी के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा सर, और दोस्तों मूवी में जो लीड रोल कर रहे हैं हीरो का वो है हमारे सलमान खान सर, और दोस्तों जो हीरोइन का रोल कर रही हैं वो है हमारी कैटरीना कैफ मैम, और इमरान हाशमी सर भी मूवी में लीड रोल कर रहे हैं। और मूवी में एक फाइट के दौरान किंग खान की एंट्री होने वाली है। रियल लाइफ में किंग खान और सलमान खान सर की नोक झोंक बनी रहती है, ऐसा ही कुछ हमको मूवी में देखने को मिलेगा। और अब बढ़ते हैं मूवी कितना कमा सकती है। दोस्तों टाइगर 3 मूवी का बजट 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, और मूवी का ट्रेलर देख के समझ आ रहा है कि मूवी पूरी एक्शन से लोडेड है। और जैसा कि भोला और दशहरा जैसी फिल्मों ने अपने फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन में 78 करोड़ भोला ने और 100 करोड़ दशहरा ने कमाए थे। और दोस्तों वैसे ही वहीं भोला के बजट की और बात करें तो दोस्तों भोला का बजट 100 करोड़ का था और दशहरा का बजट 65 करोड़ का था, लेकिन इनसे 2 से 3 गुना बजट टाइगर 3 का है। मूवी के बजट और एक्शन को देखकर लग रहा है मूवी ब्लॉकबस्टर में धमाल मचा देगी। और अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो दोस्तों एक था टाइगर मूवी टाइगर का फर्स्ट पार्ट दोस्तों, जिसने 334 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कमाया था, और दोस्तों मूवी का बजट 75 करोड़ था। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ टाइगर जिंदा है जो मूवी का सेकंड पार्ट है, मूवी का बजट 150 करोड़ था, मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 339 करोड़ था, जो कि उन्होंने अपने वीकेंड में कमाया था दोनों मूवी ने। तो दोनों पुराने मूवीज हैं दोस्तों, और दोनों के बजट बहुत कम है टाइगर 3 से। और दोस्तों टाइगर 3 के बजट के हिसाब से मूवी को 700 से 800 करोड़ प्लस तो कमाना ही चाहिए दोस्तों। अगर मूवी अपने बजट को छूती है तो 700 से 800 करोड़ की कमाई तो आराम से कर ही लेगी। और दोस्तों अगर 700-800 करोड़ तो मूवी ने कमाएगी, लेकिन आप लोगों को क्या राय है मूवी को लेकर तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके आप लोग जरूर से